महिलाओं में मुख्यतः गर्भाशय के मुख का कैंसर बहुत कॉमन है, जो हमारे भारत में ज्यादा पाया जाता है यहाँ की महिलाओं में। लेकिन सबसे जो जरूरी बात इसके सिलसिले से ये है कि इसकी जो अवधि होती है कैंसर तक पहुंचने की, जो सर्विक्स के ऊपर जो होता है, वो ज्यादातर है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 के थ्रू होता है। तो ये काफी लंबी अवधि होती है। लेकिन इसमें हम डॉक्टर्स को और जो भी महिलाएं हम लोगों के पास जब मरीज आते हैं, तो वो काफी लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, एडवांस्ड कैंसर स्टेज में पहुंचते हैं। जब उसमें उन कुछ इंटरवीन करना या उन्हें कोई अच्छी ये सुविधा देना और उसके जो इलाज जो संभवता होना चाहिए, वो उनसे बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि वो आखिरी समय में हमारे पास पहुंचते हैं ज्यादातर। तो उसमें हम बहुत कुछ भला नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम उनको हायर सेंटर पे रेफर कर दिए, जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो है वहां पे। सबसे जो जरूरी चीज ये है कि कैंसर बनने के पहले, कैंसर उत्पन्न होने के पहले, जब वो पूरी शक्ल ले लेता है और वो पूरा फैल जाता है, जिसमें स्टेज 3 कैंसर और स्टेज 2B कैंसर ज्यादा हम लोगों को मिलता है, जब वो जब उसको रोक पाना मुश्किल है, उसके लिए एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है जो स्पेशलाइज सेंटर्स में हो सकता है, और जहां कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग आम जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उसको केटर नहीं कर सकते। तो इसका इसमें जरूरी ये है कि कैंसर से सेंसिटाइज करवाना, पब्लिक को ये जानना जरूरी है औरतों को कि उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। ऐसे तो ये लक्षण रहित है, ज्यादा इसमें ऐसे बहुत दर्द वाली लक्षण तो कुछ है नहीं। ज्यादातर लोग आते हैं जब कोई चीज बहुत ही भीषण किस्म का दर्द हो या कुछ तकलीफ होती है तो लोग जल्दी आते हैं। ऐसी केसेस में एनुअल पैप्समियर रिकमेंडेड है, मतलब हम बच्चेदानी के मुख का स्मियर लेकर के और जांच करें हर साल, और उसमें डिटेक्ट करें कि कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है जो कि कैंसर में तब्दील होने वाले हैं, कैंसर में परिवर्तित होने वाले हैं, वो पिकअप करना पड़ता है। और कॉल्पोस्कोपी, तो कॉल्पोस्कोपी भी होनी चाहिए जिसमें हमको पैप्समियर अगर एबनॉर्मल लगे तो वो एक बच्चेदानी का दूरबीन द्वारा उसके मुख का जांच होता है, मैग्निफिकेशन में उसको बड़ा करके देखा जाता है, तो वो होना जरूरी होता है अगर हमें एबनॉर्मल सेल्स पिकअप होते हैं पैप्समियर में, जो कि बड़ी आम सी चीज है। लेकिन महिलाएं तुरंत अगर उन्हें कहा जाता है कि इस तरह का हम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो वो उसके लिए जल्दी तैयार नहीं होती हैं और उन्हें लगता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी आ ही जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, एनुअल स्क्रीनिंग होने से अच्छा रहता है। ये तुरंत जो है वो किसी भी एबनॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने में कम से कम भी बहुत ही कम 0.3-0.5% जो होता है वही कन्वर्ट होता है, सब नहीं कन्वर्ट होता है कैंसर में, वो वापस रुक जाता है। तो वहां पे हम कुछ उसको उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज भी हैं, मामूली से उपाय हैं जैसे कॉटराइजेशन है, कोल्ड कॉटरी है, कोनाइजेशन है, सर्विक्स के मुंह का जांच, हम सर्विक्स के मुंह पे जो एबनॉर्मल एरिया है उसको हम कॉटरी के जरिए जला सकते हैं और वो सेल्स वहां पे डेड हो जाएंगे, वो फैलेंगे नहीं, फिर वो उस तरह से वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है। आम भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ जो सब लोगों के समझ में आए। तो मेन लक्षण इसमें ये है कि इसमें पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, राइस वाटर जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है लगातार, और ये वैसी महिलाओं में ज्यादा रहता है जिसमें हाइजीन कम है, जिसके बच्चे ज्यादा हैं, या फिर बहुत जल्दी शादी हो गई, या बहुत जल्दी महीना हो जाती है, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, वैसे में ये आमतौर पर देखा जाता है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन भी आ गया है रोकने के लिए, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के पहले दे दी जाती है। HPV वैक्सीन अब अवेलेबल है, बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग इसमें सर्वैरिक्स और दो नाम से ज्यादातर आती हैं, तो ये दो वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं जब महिला अपने
सेक्सुअल एक्टिविटी में स्टार्ट करने के पहले अगर ये वैक्सीन पड़ जाती है तो इससे बचा जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है इसको। हम लोग के पास सबसे ज्यादा पेशेंट कैंसर का, मुंह के कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा है। हर दिन हमारे क्लिनिक में 3 से 4 पेशेंट कैंसर से पीड़ित, मुंह के कैंसर से पीड़ित 3 से 4 पेशेंट रोज ही आते हैं। गुटखा सिगरेट तंबाकू का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर। इसको लेकर ये बीमारी काफी जोर तेजी से फैल रहा है, इसको सरकार को काफी गंभीरता से लेना भी चाहिए। एक बार मुंह का कैंसर हो गया तो मनुष्य के उस व्यक्ति का उम्र काफी घट जाता है। स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर पेशेंट अगर हैं तो भी हम उनकी आयु को कुछ बढ़ा सकते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में जाने के बाद तो 3 से 4 साल मैक्सिमम वो जीवित रह सकते हैं। इसलिए सरकार से और सबसे ये निवेदन है कि भाई तंबाकू का प्रचलन को घटाइए, उस पर कंट्रोल कीजिए, उसके उत्पाद और उसके बिक्री पर रोक लगानी चाहिए ताकि लोग और जागरूकता फैलनी चाहिए कि भाई इसको खाने से कैंसर होता है। भागलपुर की एक विडम्बना रही है कि यहाँ पर कैंसर का कोई नोडल सेंटर आज तक नहीं डेवलप हो सका। साल में कम से कम 40 के जरूर हम ऐसे देखते हैं जिसको 16 बरस से आगे का ऑस्टियोसार्कोमा यानी कैंसर का पेशेंट है, स्किन का कैंसर है, बहुत सारे घाव ऐसे जो बहुत दिनों से रहने के बाद कैंसर हो जाते हैं और हम हाथ और पांव काटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा नोडल सेंटर नहीं है जहां पर इन सब चीज को काटने के बाद जांच की सुविधा हो। दूसरी चीज है कि उसमें जो कीमोथेरेपी करते हैं उसका सुविधा हो। ये सब इस वक्त अभी तक नहीं डेवलप हुआ है। बेचारा कैंसर जिसको हुआ वो गरीब ही आदमी होता है, अगर ये सुविधा हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जब से MRI हुआ है तब से अर्ली डिटेक्शन होने लगा। MRI एक बहुत ही सुदमंद इन्वेस्टिगेशन है और हिस्टोपैथोलॉजी भी अब होने लगा है। कई एक ऐसे बहुत ही तजुर्बाकार डॉक्टर लोग पैथोलॉजी वाले आ गए हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट में अंग काट देने के बाद भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत है। रेडियोथेरेपी तो हम मानते हैं कि भाई बड़े शहरों जाना मजबूरी है, लेकिन कीमोथेरेपी हम लोग यहां कर सकते हैं। चुनांचे मेरी इस माध्यम से ये गुजारिश है कि कैंसर के कीमोथेरेपी का नोडल सेंटर अगर भागलपुर में डेवलप हो जाता तो बहुत बड़ी बात होता है। बहुत लोगों की ये दुआ लोग लेता है।